मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने बड़ी बांसुरी को बजाने के लिए आपको एक ट्रिक बताई थी, जिससे फिंगर्स को आपको यहाँ फ्लेक्सिबल करना है, और मैंने बताया था रबर बैंड लगाना। तो मैंने ये नहीं दिखाया आपको कैसे रबर बैंड लगाएंगे, कहाँ लगाएंगे। तो फायदा होगा, ये उन लोगों के लिए फायदा है जो बड़ी बांसुरी ट्राई कर रहे हैं, और उन लोगों के लिए भी है जिनका ये लीक हो जाता है, इधर चले जाता है, उनको पता नहीं चलता। तो उनके लिए बहुत अच्छी ये एक टिप है। ये कोई भी ऐसा रबर बैंड या कोई भी पतला, इससे भी पतला हो सकता है, वो यहाँ लगा लीजिए, तो एक आपकी लक्ष्मण रेखा की बन जाएगी। आपको इससे इधर नहीं जाना है, इससे छोटा वाला भी चलेगा। और फिर आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, देखिए आपका फिंगर जगह एडजस्ट हो जाएगी और आपका जो धा है वो लीक नहीं होगा।